चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 20, उसमें ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव ब्रिज हेड कार्बन इन बाइसाइक्लो कंपाउंड। एक हमने सिक्स मेंबर रिंग लिया है जिसमें बीच में एक CH2 भी है, एक सेवन मेंबर रिंग जिसमें यहाँ CH2 है, एक दो थ्री मेंबर रिंग को जोड़ दिया गया है और दो सिक्स मेंबर रिंग को जोड़ दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बताइए किसमें ब्रिज हेड कार्बन मौजूद नहीं है। चलिए अब जरा बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड को बाईसाइक्लिक कंपाउंड को कैटेगराइज करें तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड तीन तरह के हो सकते हैं, तीन तरह के हो सकते हैं। एक जिसमें एक ही कार्बन से दोनों रिंग्स लगी हो, एक जिसमें एक ही कार्बन से दो रिंग्स लगी हो। ये मैटर नहीं करता है कि दोनों रिंग सेम कार्बन रखा हो या अलग कार्बन रखा हो, बस इंपॉर्टेंट क्या है एक ही कार्बन से दो रिंग्स लगी हो। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स। और ये जो कार्बन होगा हमेशा कैसा होगा, क्वार्टनरी कार्बन हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर अगर देखा जाए कार्बन के टर्म्स में, हाइड्रोकार्बन टर्म्स में, तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो एक ही कार्बन से दो रिंग्स की बात करते हैं तो इस तरह कंपाउंड क्या होते हैं, स्पाइरल कंपाउंड्स। ऐसा हो सकता है कि अगल बगल वाले कार्बन को मिलाते हुए आप एक नया रिंग बना, तो जो अगल बगल कार्बन को मिलाते हुए जब रिंग बनाते हैं, चाहे साइज दोनों की बराबर हो चाहे अनइक्वल साइज की हो, रिंग्स में ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। बस अगल बगल वाले कार्बन को मिलाकर अगर आपने दो रिंग्स का फॉर्मेशन किया है तो इसे बोलते हैं फ्यूज्ड। क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन अगर हमने बात किया है कि एक ही कार्बन से दो रिंग ना मिले, अगल बगल कार्बन से दो रिंग ना बने, मतलब इसे और इसे छोड़ते हुए कहीं और से, इसे और इसे छोड़ते हुए कहीं और से, चाहे यहां से ले लें चाहे यहां से ले लें, जब से कहीं से भी ले लें, तो इसे और इसे छोड़ते हुए कहीं और से लेते हुए अगर हमने रिंग बना लिया, जब से बीच में कार्बन है, एक है, दो है, तीन है, ये मैटर नहीं करता है। मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन से रिंग नहीं होना चाहिए, इसके बगल वाले कार्बन से रिंग नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों को छोड़कर कहीं और से एक नई रिंग आती है, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो इसका तो बाईसाइक्लो इसको मेल लेते हैं और इस पर्टिकुलर में भी इसको बोल सकते हैं फ्यूज बाईसाइक्लो है, तो इससे ही बोल सकते हैं फ्यूज बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो बाईसाइक्लिक में एक कैटेगरी स्पाइरो की बोलते हैं, एक कैटेगरी फ्यूज बाईसाइक्लो की बोलते हैं और एक कैटेगरी आपकी सिंपली बाईसाइक्लो की बोलते हैं। क्लियर? तो अगर उसने वर्ड यूज किया है बाईसाइक्लो, वर्ड यूज किया गया है बाईसाइक्लो, तो बाईसाइक्लो आपका ये है और ये है, इस पर्टिकुलर को क्या बोलना है, स्पाइरो कंपाउंड। तो अगर स्पाइरो कंपाउंड है तो ब्रिज हेड की बात तो करना ही नहीं है, और जब करना ही नहीं है डू नॉट हैव ब्रिज हेड, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, हो गया सी हो गया। अब जरा इस पर्टिकुलर कार्बन को देखो और इस पर्टिकुलर कार्बन को देखो और इस बॉन्ड के बारे में सोचो, तो ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, इसी पर्टिकुलर बॉन्ड में हमने बात किया हुआ है ब्रिज की, यही पर्टिकुलर जो कार्बन है ये क्या है, ये जो कार्बन है ये एक बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड, ये ब्रिज बना रहा है इधर इधर ब्रिज बना रहा है। तो ये जो हेड है इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। इसी तरह यहां पकड़ लीजिए बीच में कार्बन हो भी सकता है, तो ये जो पर्टिकुलर है क्या कर रहा है, ब्रिज बना रहा है। तो ब्रिज बना रहा है, इस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। तो ऐसा हो सकता है कि ब्रिज में यूं कहें पुल में बीच में कोई पिलर ना, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हम ब्रिज बना रहे हैं उस पर्टिकुलर के अंदर एक पिलर हो, दो पिलर हो, तीन पिलर हो, ये मैटर नहीं करता है। तो जब भी ब्रिज हेड कार्बन की बात करें तो ब्रिज हेड कार्बन फ्यूज्ड बाईसाइक्लो में सोचना है और बाईसाइक्लो कंपाउंड में सोचना है, ब्रिज हमें स्पाइरो कंपाउंड में नहीं सोचना है। तो ये जिसका एग्जाम्पल हमने लिया वो आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये हमने जो एग्जाम्पल लिया अगेन बाईसाइक्लो कंपाउंड है,
ये हमने जो एग्जांपल लिया ये पर्टिकुलर फ्यूज बाई साइक्लो का एग्जांपल। तो क्वेश्चन मेरे यहाँ पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव ब्रिज हेड कार्बन इन द बाई साइक्लो कंपाउंड। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर?